नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से। भविष्य बद्री में भी पहुंच रहे हैं देश के कोने कोने से तीर्थयात्री। पंच बद्री को एक ऐसा बद्री माना जाता है जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। जो भविष्य बद्री बद्रीनाथ से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी के आसपास है और जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही शुभाई गाँव से लगभग 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे धाम की जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भविष्य बद्री तक मात्र अब 2 किलोमीटर के आसपास पैदल सफर करना होता है। अब दिन दूर नहीं जब भविष्य बद्री तक पहुंचने वाले तीर्थयात्री अपने निजी वाहनों से सफर करेंगे। आजकल भविष्य बद्री में खूब संख्या में तीर्थयात्री देखने को मिल रहे हैं, देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं, जिस कारण भविष्य बद्री में काफी रौनक दिखाई दे रही है। तीर्थयात्री जयकारे के साथ मंदिर तक पहुंच रहे हैं। चमोली से नवीन सिंह की रिपोर्ट। हाय, आप भी केरला से हो? आपका शुभ नाम? तुलसी। यू गुड नेम? तुलसी। कैसा लगा? विच प्लेस? फ्रॉम केरला। नहीं, दिस प्लेस? अच्छा, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, यू नेक्स्ट अगेन, वेलकम। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम देहरादून से आए हैं जी। वैसे मूल निवास हमारा कागा, और हम अभी देहरादून से आए हैं देखने के लिए जी। सर, यहाँ पे बहुत से बद्री आए हैं, आप पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए थे? ना, पहली बार ऐसा भी सौभाग्य पहली बार मिला हमें बहुत से बद्री दर्शन करने का। कैसा लगा सर यहाँ पे आके? बहुत सुंदर लगा साहब, ऐसे प्राकृतिक जो दृश्य देखने का मौका पहली बार मिला यहाँ पे जी, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया। औरों को, जैसे और लोग आएंगे, क्यों आना चाहिए लोगों को और किस लिए आना चाहिए यहाँ पे? सर, यहाँ पर तो ये है कि भविष्य बद्री है जी, तो उसके दर्शन करने के लिए लोग हर कोई आने की इच्छुक रहते हैं। और यहाँ पर अब रोड की सुविधा अच्छी होगी और दो एक दो साल में पक्की रोड बन जाएगी, तो और बहुत सारे पर्यटक दर्शन करने के यहाँ पर आएंगे जी। धन्यवाद सर। जैसे आप यहाँ आए तो आते समय रास्तों में दिक्कत हुई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दरअसल मैं जब बहुत छोटा था यहाँ पे जी, तो हम पैदल नीचे जो सलधार बोलते हैं वहाँ से पैदल आते थे यहाँ जी। और यहाँ पर भविष्य बद्री का जो है वो जो मूर्ति था, अब तो काफ़ी जो है ऊपर अपना पूरा प्राकृत दर्शन दे दिया विष्णु भगवान ने जी। तो लेकिन उस समय जो है लेकिन जो आप सड़क के बारे में जो आपने बताया जो रास्ते का, तो रास्ता तो इतना बढ़िया हो गया, आप जो डामीकरण जब हो जाएगा वो तो और ही बढ़िया, और आने वाले पर्यटन लोगों के लिए बहुत सुविधा। भविष्य बद्री की जय हो। जय हो दीदी। यहाँ पे लोगों को क्यों आना चाहिए, क्या देख, क्या क्या देखा मंदिर से अलावा आपने? यहाँ पे भविष्य बद्री के दर्शन हुए हमारे और बहुत अच्छा लगा हमें। इधर उधर पहाड़ों की दृश्य दिखाई दिए, बहुत अच्छा, और लोग यहाँ पे जरूर आई हैं, और बहुत धन्यवाद। पंच बद्री में से एक ऐसा बद्री माना जाता है जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। जो भविष्य बद्री बद्रीनाथ से 60 किलोमीटर के आसपास मौजूद है। आपको बता दें कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुले हुए हैं, जिस कारण बद्री धाम में काफी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद हैं। बता दें कि वही तीर्थयात्री सीधा जाकर के भविष्य बद्री के दर्शन भी प्राप्त करते हुए देखे जा रहे हैं, जिस कारण भविष्य बद्री में खूब संख्या में आजकल तीर्थयात्री दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सुबाई गांव से 2 किलोमीटर के आसपास भविष्य बद्री तक पहुंचा जा सकता है, जिस कारण आजकल बद्री धाम में काफी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद हैं, लेकिन भविष्य बद्री में भी खूब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। नेशनल टुडे 24 के लिए देखिए नवीन सिंह की खास रिपोर्ट।